नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अबू धाबी टी टेन का जो आज का फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा जो कि आप दिल्ली बुल्स वर्सेस टीम अबूधाबी के बीच में इसके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अगर आप लोग इस वाले मुकाबले में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कुछ भी खेल रहे फ्रेंड्स तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला यहां पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे फ्रेंड्स एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे काफी डीप एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस वाले मुकाबले में यहाँ पे बनाना है चाहे आप लोग ग्रैंड लीग खेलो चाहे आप लोग स्मॉल लीग खेलो आप लोग के लिए वीडियो काफी ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो वीडियो आप लोग मिलेगा एक गिवे के बीच में आपसे क्वेश्चन करूंगा आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना जिन भी लोगों का आंसर सही रहेगा फ्रेंड्स उनको 50, 50 का या फिर गूगल पे कैसे आपको प्राइस के तौर पर मिल जाएगा दूसरा गिवे फ्रेंड्स हम लोग किसी स्पेसिफिक ऐप के थ्रू आपको करवाएंगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से वॉच करना तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहूंगा कि जो हमारी फाइनल टीम रहती है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती है रिसेंटली जो हमारा टीम का परफॉर्मेंस है उसे भी आप लोग कल का जो रिजल्ट है उसे भी आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो हम लोगों ने एक मिनी ग्रैंड उसे हम लोगों ने यहाँ पे विन किया दूसरी

जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते डाउनलोड करोगे ओपन कर लेना वाला है ठीक है और बीस टीमों के साथ आप लोग इस वाले में यहां पे एंट्री ले सकते हो यानी कि बीस टीमें आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से आप लोग गेवे में पार्टिसिपेट करना आप लोग बिल्कुल भी देख सकते हो यहाँ पे जो अभी एंट्री फीस बची है वो काफी कम बची है तो जल्दी से कर लेना जिससे पहले फुल ना हो जाए ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इस ऐप में आपको और क्या क्या चीजें मिलने वाली जैसे आप लोग इस ऐप को स्टार्टिंग में डाउनलोड करोगे तो हंड्रेड रुपीजी का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा फिर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो हंड्रेड परसेंट आपको यहाँ पे कैश बोनस देखने को मिल जाएगा फिर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लेस एंट्री फीस लेस कॉम्पिटिशन और आप लोग देखोगे तो आपका जो बोनस है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा देखोगे जो यहाँ पे फ्रेंड्स मिनी ग्रैंडिंग वगैरह रहती है यहाँ पर आप लोग दस दस अपना बोनस यूज कर पाओगे और जो ग्रैंडिंग लगती है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मैचों में आप लोग हंड्रेड परसेंट बोनस लीग आपको देखने को मिल जाएगी और स्मॉल लीग में भी आप लोग यहाँ पे पांच से दस आप लोगों का जो बोनस है बहुत ईजी तरीके से यूज हो जाएगा ठीक है बाकी फ्रेंड्स आप आप लोग लोग देखोगे तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एज कंपेयर टू किसी भी ऐप से करोगे तो सबसे लेस एंट्री फीस आप को पूरे मार्केट में इसी एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगी ठीक है तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सिंपली पे जो दोनों टीमों का अभी तक रिसेंट परफॉर्मेंस चल रहा उसको हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं कि दोनों टीमों ने फ्रेंड्स अभी रिसेंटली जो मुकाबले खेले उसमें इन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले दिल्ली बुल्स की तो दिल्ली बुल्स ने फ्रेंड्स रिसेंटली इसी सीज़न में चार मैच खेले चार में से फ्रेंड्स तीन मुकाबले इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विन किए और फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट का मुकाबला था इसे इन्होंने यहाँ पे डीसी के साथ हारा है ठीक है और लास्ट का मुकाबला जो इन्होंने हारा फ्रेंड्स इसमें आप लोग देखिए एक रनों पर इनकी टीम ऑल आउट हो गई थी और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दिल्ली बुल्स ने जो तीन मुकाबले यहाँ पे खेले ना फ्रेंड्स जो विन किए इन्होंने उसे फ्रेंड्स इन्होंने चेस करते हुए यहाँ पे विन किया जबकि आपको पता ही यह हुई कि जो पिच है यह जाहद स्टेडियम यहाँ पे चेजिंग बहुत ज्यादा टफ है ठीक है और यहाँ पे जो चेज़ सॉरी यहाँ पे चेजिंग बहुत ज़्यादा ईजी है इसीलिए फ्रेंड्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली बुल्स ने ये तीनों के तीनों मुकाबले काफी इजिली यहां यहाँ ने जो हारा है वो भी यहाँ पे इसी चेजिंग फैक्टर की वजह से हारा है क्योंकि पे पहले बैटिंग की है दिल्ली बुल्स ने बारह रन बनाए दस विकेट इनके गिरे फिर यहाँ पे डीजी ने बहुत ही शानदार तरीके से नौ विकेट से इस मुकाबले को दिल्ली बुल्स के साथ यहाँ पे विन किया ठीक है।, है वहीं मैं बात करूँ टीम अबू धाबी ने फ्रेंड्स इस बार बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस पॉइंट टेबल पर नंबर वन पे चलिए आप लोग देख हुए चार मुकाबले जो खेले चारों के चारों मुकाबले काफी शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पे विन किए और चार मुकाबलों में से आपको एक चीज बता दो स्टार्टिंग के दो मुकाबले देखिए यहां पे बैटिंग फर्स्ट कर

बुल्स की तरफ से पिक करना ठीक है सात चार का कॉम्बिनेशन भी बना रहे तो वो भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा रहेगा थोड़ा सा टॉस फैक्टर का भी आप लोग पे रोल देखना क्योंकि पे आपको ईजी है, है, है तो चेजिंग के फेवर में भी आप लोग टीम बना सकते हो अगर टीम अबू धाबी पहले बॉलिंग चूज कर रही है तो फ्रेंड्स पे क्या कर सकते हो आप लोग सात प्लेयर सिंपली टीम अबू धाबी की तरफ से लेना फिर चार प्लेयर आप लोग यहां पे दिल्ली बुल्स की तरफ से पिक करके चल सकते हो ठीक है तो ये चीज हम लोग टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट रहेगा टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको दे दूंगा तो इस चीज के आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ठीक है थोड़ा सा पिच के बारे में भी देख लेते हैं तो आप सभी को पता है ये वाला मुकाबला भी सेम ग्राउंड पे होगा यानी कि अबू धाबी ख जायद स्टेडियम में ठीक है ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग आईपीएल पल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और अभी जो अबुधा टी टेन चल रहा है इस तो इसमें आप लोगों ने पिच का जो बिहेवियर देखा हर कोई आपको क्या कह रहा था कि बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा लेकिन आप लोग किसी भी मुकाबले में यहाँ पे उठा के देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो से तीन ही बैट्समैन ऑनली परफॉर्म कर रहे बाकी आप लोग देख रहे हो जो मैक्सिमम जो मैच जा रहा है फ्रेंड्स वो यहां पे बॉलरों के पक्ष में जा रहा है खासकर जो पेसर बॉलर है उनका यहाँ पे काफी ज्यादा दबदबा है मेरे हिसाब से ठीक है बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स ड्यू फैक्टर भी रहेगा तो इसलिए पे आपको मैक्सिमम जो मैच है वो यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिख रहे हैं ठीक है तो चेजिंग बहुत ज्यादा ईजी है इस वाले ग्राउंड पे जहां तक आप लोग रिसेंटली पांच छह मुकाबले आप लोग देख लीजिए खुद ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेंजिंग कितना ज्यादा ईजी है ठीक है ऑन एन एवरेज स्कोर की हम लोग बात करेंगे तो हंड्रेड से एक के बीच में आप लोगों को यहाँ पे रन बनते हुए लगभग दिख जाएंगे वेदर की बात करेंगे तो पूरी तरह तो से आप लोगों को यह मैच होता हुआ दिख जाएगा क्लियर स्काई आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टीम अबुधाबी की तरफ से इनकी प्लेइंग है की तो इनकी तरफ से फ्रेंड्स लास्ट के मैच में आप लोगों ने देखा फ्लिपसार्ट और यहाँ पर पॉलिटर्लिंग ने ओपन किया था देखोगे कि दोनों के दोनों काफ़ी जबरदस्त बैट्समैन है फिल्लार्ट ने, ने यहाँ पे 63 थ्री रनों के नॉट आउट पारी के लिए पॉलिटलिंग ने 44 रन फिर यहाँ पे इनके जो सबसे दमदार बैट्समैन मैं कूँगा टीम के कैप्टन भी है और बॉलिंग से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके देने वाले हैं यहाँ पे लिविंग लिविंग तो इन्होंने चौबीस रन बनाए फिर यहाँ पे कॉलिन कॉलिन्राम है ये भी काफी अच्छे खास यहाँ पे प्लेयर है इन पर भी आप लोग थोड़ा फोकस करना फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इससे नीचे मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ टी में कि इससे मतलब सेकंड डाउन या फिर थर्ड डाउन से नीचे आप लोग जाओ मैक्सिमम आप लोगों को थर्ड थर्डाउ तक जाना यहाँ पे सी

के तो गुरबाज़ का फॉर्म भी फ्रेंड्स ठीक ठाक है इस फॉर्मेट के लिए काफी परफेक्ट बैट्समैन मुझे लगते हैं गुरबाज़ तो आप लोग थोड़ा फोस पे मोहम्मद हफीज आए थे पूरी से आउट चल इस में। लेकिन ये वाले प्लेयर है तो हो, हो, आप इन पे बिल्कुल भी फोकस कर सकते हैं इनको थोड़ा सा मत करना ठीक है तीन रन लास्ट में बनाए बॉलिंग से फ्रेंड्स आपको पता कि यहाँ इनको अभी तक नहीं मिल पाया देखोगे दो ही मैच में सॉरी एक ही बॉलिंग कराई है बाकी इनको बॉलिंग भी नहीं मिली है ठीक है यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स फिर यहाँ पे सरफ्रेन रदरफोर्ड फोड आए यहाँ पे उन्नीस रन बनाए एक मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे रदरफोर्ड ने भी किया था यहाँ पे देखोगे तो काफी मतलब ठीक ठाक बैट्समैन आप लोग कह सकते हो इस फॉरवर्ड के लिए जो कि क्विक रन बना सकते हैं आपको इसी टाइप के बैट्समैन लेके चलने जो थोड़ा सा टी में काफी तेजी से रन बनाते हो ठीक है एवन मॉर्गन आएंगे काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म में तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा ग्रैंडिंग में आप लोग ट्राई करना फिर यहाँ पर डवेन ब्राओ आए कैप्टन छह रन बनाए फिर आप लोग देखोगे सारे के सारे इनके बॉलर स्टार्ट हो जाते हैं तो इनके हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि टी में फेंड ज्यादा नीचे के बैट्समैन आपको बताया कुछ खास करते नहीं है बात करेंगे बॉलिंग की तो सामने वाली टीम का इन्होंने सिर्फ एक विकेट निकाला जो यहाँ पे डोमिनिक ड्रैक्स ने इस बंदे की बॉलिंग आप लोग सीपीएल से ऑब्जर्व करोगे काफी अच्छा विकेट टेकर बॉलर है इस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग कर सकते हो बाकी आप लोग देखिए पे एफ हक ने भी एक मैच में काफी अच्छे विकेट निकाले थे दो ओवर बॉलिंग डाली उन्नीस कोई विकेट नहीं मिला ठीक है बाकी आप लोग देखिए दे पे सिरजाद अहमद ने एक ओवर डाला चौदह रन कोई विकेट नहीं मिला आदिल राशिद की कौत गंदी धुनाई हुई एक ही ओवर है पच्चीस रन पड़े ठीक है रवि रामपोल फ्रेंड्स काफी जबरदस्त बॉलर है इन पर फोकस करना थोड़ा सीपीएल आपको याद होगा ही बंदा हर मैच में तीन तीन चार सार विकेट निकाल रहा था तो कर सकता यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर यहां पे ड्वेन ब्राउ है फ्रेंड्स डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर इस टीम के ठीक पे देखोगे लगभग आप लोग देखोगे मतलब आठ बॉल इन्होंने बॉलों में रन दिए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा अभी तक ठीक है तो फ्रेंड्स कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो के के लिए लिए परफेक्ट चॉइस मेरे हिसाब से मैच तो हम लोग ग्रैंड कॉम्बिनेशन वगैरह देखेंगे में आपको किस तरीके से टीमें बनानी है सबसे पहले स्मॉल लीग की भी बात करूंगा तो स्मॉल लीग में सिंपली मैंने यहां पे दोनों के दोनों जो विकेट कीपर बैट्समैन है इनको मैंने पिक कर लिया रह गुरबाज और पे फिलिपसार्ट दोनों के दोनों जबरदस्त है लेके चलना है आपको ग्रैंडिंग में आप लोग वगैरह को एक बेजामिन टीम में अगर ज्यादा टीम बना रहे तो एक टीम में ट्राई कर लेना बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने नीचे

81 वन परसेंट एट्टी परसेंट उसके बाद आप लोग देखिए 74 आज देखिए आज बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे 48 के आसपास 41 के आसपास पहुंच चुके हैं मैं 48 कह रहा हूँ आप लोग देखिए कितना कम इनका सिलेक्शन हो चुका है और ये कम वाले प्लेयर है जिस ध्यान देना कभी भी कम कर सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पे सरफ्रेंड और यहाँ पे और है फ्रेंड्स हमारे सेफाट को भी आप लोग थोड़ा सा चाहो अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है ठीक है फिर यहाँ पे जमे ओवरटन कंफर्म दो ओवर की बॉलिंग कराएंगे तो ये भी फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए आप लोग थो थोड़ा ट्राई कर सकते हो बाकी स्मॉल लीग में इग्नोर भी करोगे तो उतना मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बात करेंगे यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन के आदिल राशिद को मैंने यहाँ पे पिक किया मैंने पे डैनियल ब्रिक्स को पिक किया यहाँ पे मैंने फवाद अहमद को पिक किया ठीक है फिलील एडवर्ड को मैंने यहाँ पिक किया आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेंड्स रवि राम पॉल इम्पॉर्टेंट है इनको आप लोग फोकस कर सकते हो लेकिन मैंने थोड़ा सा टीम अबू धाबी के प्लेयरों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया मर्चेंडी लेंगे खेलेंगे तो आपको पता है किस लेवल के बॉलर हैं ठीक है स्टार्टिंग के मैच में ही इन्होंने यहाँ पर टी जैसे मैच में पांच विकेट निकाले तो इनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जितनी खेलेंगे डेफिनेटली आप लोग पिक करके चलना यहाँ पे डेनियल ब्रिक्स को ड्रॉप कर लेना इनको ले लेना सिंपली यह चीज कर लेना आप लोग ठीक है अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कप्टेंसी वाइस कप्टेंसी की तो कैप्टनसी मैंने लिविंग को दी है वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे रहमुल्ला गुरबाज को दी है आज का जो हमारा गिवे का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे रहमुल्ला गुरबाज के ऊपर ठीक है आपको सिंपली लिखना आर जी कमेंट सेक्शन में कि ये कितने टोटल रन बनाएंगे टोटल रन आपको लिखने है कि ये कितने रन आज के मैसेज बनाएंगे जिन भी लोगों का आंसर रहेगा उनको फ्रेंड्स फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ का गिवे जो प्राइस है वो मिल जाएगा ठीक है बाकी बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरी टीम हम लोगों ने यहाँ पे बनाई ग्रैंड लिख की इसमें आप लोग देखिए सिंपली मैंने जो कहा कि यहाँ पे ये कम वाले प्लेयर है तो इनको मैंने सिंपली कैप्टन ले लिया क्योंकि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे टेन में कुछ सिलेक्टेड ही ऑप्शन रहते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन आप लोग यहाँ पे पे कॉन्स्ट रख लीजिए यहाँ को बाकी आप लोग थोड़ा सा कैप्टन में रोटेशन वगैरह कर सकते हो इस वाले मुकाबले में ठीक है तीसरी टीम आप लोग यहाँ पे देखे फ्रेंड जो मैंने यहाँ पर बनाई ग्रैंडिक की बनाया पॉलिस्टल दोनों के दोनों ओपनरों को बनाए पे कप्टनशी वाइस कप्टनशी दे दी है नेक्स्ट टीम फ्रेंड्स जो दो टीम है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा यानी कि तीन टीम ये हो गई दो टीम आपको और दूंगा मैं ग्रैंडिक की वो आपको टेलीग्राम के ऊपर दूंगा तो टेलीग्राम को आप लोग सब जरूर से ज्वाइन कर लेना ठीक है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपसे इतना ही बताना था मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक